और कांग्रेस के प्रति इतना ज्यादा अफवाह उड़ाया गया कि इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने भी सोचा और सब लोगों को अफवाह पर जो अंकुश लगे इसके लिए एकत्रित करके। सिद्धार्थ जी, क्या तेजस्वी यादव से ही बात हुई है, उन्होंने बुलाया तभी आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं नहीं, आज हम लोग का मीटिंग है इसलिए हम लोग को जानकारी मिली है तो हम लोग। कितने बजे मीटिंग है आप लोगों की? चालू है। आप लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ बातें चल रही है अंदर खाने? जरूर जरूर बात चल, तभी बात चल रहा होगा तभी ना इस तरह की टिप्पणी की है। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास संख्या बल नहीं है, बहुत साबित नहीं कर पाएंगे? अभी तो कल स्वतः तय हो जाएगा, इसमें हमारे मानने नहीं मानने से क्या होगा। देखिए, इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सिद्धार्थ सौरभ जो कांग्रेस के विधायक हैं जो हैदराबाद नहीं पहुंचे थे वो पहुंच गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की आवास पे। जी हाँ, देखिए आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आवास पे जिस प्रकार से कल से ही तमाम जो आरजेडी के विधायक है वो मौजूद थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के जो विधायक है सिद्धार्थ सौरभ वो पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जो हैदराबाद नहीं गए थे, हालांकि हैदराबाद से तभी विधायक जो है वो पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में सबसे पहले जो है सिद्धार्थ सौरभ वो पहुंचे हैं आरजेडी के तमाम विधायक से मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे। तो उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा थे, पहले आप सिद्धार्थ सौरभ के पूरे बयानों को सुनिए। झूठ है? हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सारे विधायक जो हैदराबाद से आने वाले? सब ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। आप भी यहीं रहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे विधायक भेंट करने आए हैं। अच्छा, जिस खेले की तरफ इशारा लोग कर रहे हैं, क्या खेला होना बाकी है? अभी तो शीर्ष नेतृत्व ही कह सकता है, हम लोग को बहुत जानकारी इस विषय में नहीं है। आपने फ्लोर टेस्ट में जो मुख्य मूल जो महागठबंधन है वो ठीक ठाक है, बाकी क्या होना है नहीं होना है इसकी बहुत जानकारी हमको। कांग्रेस ठीक ठाक रहेगी? तैयारी कैसी? तो हम बता दिए कि अब तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे तेजस्वी जी हैं, यही विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। प्रयास तो जरूर करेंगे, हर आदमी अपना प्रयास करता है और जो नेतृत्व है वो प्रयासरत होगा। बातचीत चल रही है क्या, इसकी जानकारी हमको कुछ नहीं। सिद्धार्थ जी, आप मानते हैं इस बात को कि अभी आप सरकार बनाने की स्थिति में है, अगर नीतीश कुमार किसी भी समय कुछ? देखिए, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, जो मूल महागठबंधन था जिसमें हम लोग चुनाव लड़े थे, वो इंटैक्ट है। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं है, तभी तो आप लोग विधायकों को शिफ्ट किया गया हैदराबाद? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अफवाह बहुत ज्यादा उड़ गया था, जिस तरह का बात आप पूछ रहे हैं, अफवाह बहुत उड़ गया था। अब तो अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने आपको बुलाया है? डर नहीं, डर भी नहीं। देखिए, संगठित करना, देखिए हर पार्टी चाहता है कि अपने विधायकों को संगठित रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जदयू भी होगा तो संगठन के रूप अपना रूप विधायकों को संगठित करना होगा, भाजपा भी अपने विधायकों को संगठित करना होगा। और कांग्रेस के प्रति इतना ज्यादा अफवाह उड़ाया गया कि इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने भी सोचा और सब लोगों को अफवाह पर जो अंकुश लगे इसके लिए एकत्रित करके। सिद्धार्थ जी, क्या तेजस्वी यादव से ही बात हुई है, उन्होंने बुलाया तभी आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं नहीं, आज हम लोग का मीटिंग है इसलिए हम लोग को जानकारी मिली है तो हम लोग। कितने बजे मीटिंग है आप लोगों की? चालू है। पर सारे विधायक जब पहुंच जाएंगे आपके तब? हाँ, क्या वहां से निकल गए? हैदराबाद से लोग निकल गए हैं? हाँ सब लोग निकल गए। पार्टी के विधायक है विजय शंकर दुबे, उन्होंने अभी कहा कि 24 घंटे में खेला होगा। नहीं, इसकी जानकारी हमको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सीनियर लीडर है तो बेहतर जानते हैं। आप लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ बातें चल रही है अंदर खाने? जरूर जरूर बात चल, तभी बात चल रहा होगा तभी ना इस तरह की टिप्पणी की है। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास संख्या बल नहीं है, बहुत साबित नहीं कर पाएंगे? अभी तो कल स्वतः तय हो जाएगा, इसमें हमारे मानने नहीं मानने से क्या होगा। ये तो 12-14 घंटा का खेला है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हाई है? हम इतना जरूर अभी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि जो हम लोग के घटक दल है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इस सब इंटरेस्ट। तो आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेंगे हम सभी उनके साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि हम ऐसे ही मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी खामोशी दिख रही थी वो संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं पटना, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के विधायक थे जो हैदराबाद नहीं गए थे सिद्धार्थ सौरभ, वो सबसे पहले पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव की आवास पे मिलने के लिए। हालांकि वो बता रहे हैं कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, सभी विधायक को एकजुट रहना चाहिए, सभी जो विधायक हैं सभी जो जिस दल से हैं वो उस दल के साथ एकता के साथ हैं, कल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही मिलने के लिए आए हैं और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे हम सभी उनके साथ हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या बिहार में कल सत्ता परिवर्तन होता है या बना रहता है, ये तो उसमें बताएगा। इसको इतना ही, और धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।